हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री लैब के एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर वन, तो एक्सपेरिमेंट हम क्या डिस्कस करने हैं, उसका एम मतलब हमारा मोटिव क्या है, एक्सपेरिमेंट हम कौन सा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट का एम है टू डिटरमाइन द सर्फेस टेंशन ऑफ अ गिवन लिक्विड बाई ड्रॉप नंबर मेथड यूजिंग स्टैगमोमीटर। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी लिक्विड का हम सरफेस टेंशन कैसे निकालते हैं बाय ड्रॉप नंबर मेथड यूजिंग स्टैल्गोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस नहीं इंस्ट्रूमेंट होता है। इसकी हेल्प से हम ड्रॉप नंबर मेथड की बेसिस पे हम सरफेस टेंशन फाइंड करते हैं किसी भी लिक्विड का। अब यहाँ पे एक टर्म है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। सरफेस टेंशन होता है, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज एक कोई कोई भी बॉक्स या बीकर कोई भी है ग्लास का, इसके अंदर लाइक वाटर है, इसके अंदर वाटर है, इस ग्लास के अंदर। तो जो वाटर है, अब वाटर के अंदर वाटर पार्टिकल्स भी होंगे, वाटर के अंदर वाटर पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स टोटली सबमर्ज है वाटर के अंदर, ये टोटली वाटर के अंदर है, तो इस पे और इस मॉलिक्यूल के आसपास भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल हो तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे वाटर के आसपास। तो ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सब एक दूसरे पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होते हैं। ये सब मॉलिक्यूल, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, अपनी तरफ। ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ये जितने भी आसपास मॉलिक्यूल होंगे इसके, ये सब इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। इसीलिए इसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है, किसी भी वाटर बॉल का। ये अपनी ओर खींच रहे हैं, वैसे ही ये वाला मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर में टोटली सबमर्ज है। तो ये भी सभी जितने भी इसके आसपास मॉलिक्यूल होंगे सब इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ इक्वली। लेकिन जो पार्टिकल यहाँ पे होगा, सपोज ये वाटर लेवल है, सपोज ये वाटर लेवल है, सबसे हाईएस्ट ये वाटर लेवल है। अब जो पार्टिकल यहाँ पे होगा, वहाँ सपोज ये पार्टिकल का ये सेंटर ऑफ मास है और ये पार्टिकल यहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ मास ये होता है कि हम एज्यूम करते हैं कि जो इसका लाइक कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये एक स्क्वायर बॉक्स है, तो ये सेंटर सेंटर ऑफ मास हम एज्यूम ये करते हैं कि इस बॉक्स का जो जितना भी मास होगा ये सेंटर की ओर कंसनट्रेटेड होगा। तो यहाँ पे हम सपोज मान लेते हैं इस मतलब स्फेरिकल का ये कोई पार्टिकल, उसका ये सेंटर है। तो इस पे अब एक तो एयर से फोर्स लगेगा, एयर इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, अट्रैक्शन फोर्स इसको बोलेंगे हम, अट्रैक्शन फोर्स। और एक जो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर, यहाँ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स इस ड्रॉपलेट को अपनी तरफ खींचेंगे, इस वाले ड्रॉपलेट को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये जो फोर्स लग रहा है, अब ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है, ये सरफेस हुआ और ये सरफेस है वाटर का, ये पार्टिकल है, और इसके जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है इसी फोर्स को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब इसमें एक और है स्टैल्गमोमीटर। अब ये क्या होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। स्टैल्गमोमीटर क्या होता है, ये इसकी हेल्प से हम सरफेस टेंशन फाइंड करते हैं किसी भी लिक्विड का। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसी की हेल्प से हम सरफेस टेंशन फाइंड करते हैं किसी भी लिक्विड का। अब इसमें एक और टर्म आता है, ये है नंबर मेथड, ड्रॉप नंबर मेथड। ये क्या होता है, ये हम देखते हैं ड्रॉप नंबर मेथड। अब यहाँ पे ड्रॉप नंबर मेथड क्या होता है, इट इज़ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग सरफेस टेंशन। ये एक मेथड है, बहुत कॉमनली मेथड है, जिसके हेल्प से हम सरफेस टेंशन फाइंड करते हैं। द प्रिंसिपल इज टू मेजर, मतलब ये मतलब वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है ये मेथड। द प्रिंसिपल इज टू मेजर द वेट ऑफ ड्रॉप्स ऑफ अ फ्लूइड फॉलिंग फ्रॉम द कैपिलरी। अब ये जो होता है, ये इंस्ट्रूमेंट स्कैल्गोमीटर, ये एक ट्यूब टाइप का होता है। स्कैल्गोमीटर ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये एक ट्यूब टाइप का होगा, यहाँ से आगे आने पर ये कर्व हो जाता है, ऐसे ये कर्व शेप होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे रीडिंग होता है कि आपको लिक्विड कहाँ तक फिल करना है, ये रीडिंग होगा इसमें दिया होगा। तो ये कैपिलरी ट्यूब होता है, इसमें से हम ड्रॉप को गिराते हैं, जो इसके अंदर जैसे कि हम जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन निकालना है, तो उस लिक्विड को हम इसके इनसाइड फिल करेंगे पहले इस ट्यूब के अंदर, और उसको यहाँ से ड्रॉप से उसको गिराते हैं यहाँ से, इसमें ड्रॉप बाय मतलब ड्रॉप ड्रॉप, वन ड्रॉप, टू ड्रॉप, ऐसे ऐसे ड्रॉप ड्रॉप गिरता है यहाँ से लिक्विड किसी बीकर में, सपोज ये किसी बीकर में ये ड्रॉप को हम गिराते हैं। तो यही बोल रहा है कि द प्रिंसिपल इज टू मेजर द वेट ऑफ ड्रॉप्स। ये जो ड्रॉप होता है इसका वेट ऑफ अ फ्लूइड फॉलिंग फ्रॉम द कैपिलरी, जो इसके अंदर हम फ्लूइड या लिक्विड फिल करते हैं, उसके जो ड्रॉप जितने यहाँ ड्रॉप फॉल होंगे, इस बीकर में फिल होगा ये ड्रॉप सारे,
उसके बाद इसका हम वेट करते हैं, तो उसी को ये ड्रॉप नंबर मेथड से हम सरफेस टेंशन फाइंड करते हैं किसी भी लिक्विड का। अब सरफेस टेंशन में एक और चीज़ होता है कि सरफेस टेंशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो सरफेस टेंशन होता है वो डिक्रीज होता है। लाइक टेम्परेचर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को होता है सरफेस टेंशन। तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। इसीलिए हम जो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ये एक्सपेरिमेंट हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं, क्योंकि अगर हम रूम टेम्परेचर पर नहीं करेंगे तो सरफेस टेंशन चेंज होता रहेगा, तो इसकी वैल्यू भी बार बार रैंडम होती रहेगी। जो हम ये फाइंड करेंगे सरफेस टेंशन वो चेंज होता रहेगा बार बार, इसलिए हम इसको रूम टेम्परेचर पर निकालते हैं। और रूम टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन कॉन्स्टेंट होता है। अब इसमें है मटेरियल रिक्वायर्ड, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो जो चीज़ हमें ज़रूरत है, नीड है जिस चीज़ों की, वो है स्टैग्मोमीटर, बीकर, ए स्मॉल बीकर, ए स्मॉल रबर ट्यूब विथ अ स्क्रू, पिंच कॉक, डिस्टिल्ड वाटर एंड अननोन लिक्विड। मतलब हम इसमें दो लिक्विड लेकर ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, और एंड में हम सपोज ये अननोन लिक्विड आप कुछ भी ले सकते हो, फिर एंड में हम इस ये लिक्विड का डिस्टिल्ड वाटर के विद रिस्पेक्ट टू में हम सरफेस टेंशन फाइंड करते हैं। इसलिए हम इसमें दो लिक्विड लेते हैं, एक डिस्टिल्ड वाटर हो गया लाइक टैप वाटर, और ये हो गया अननोन लिक्विड। ये लिक्विड कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें हम थ्योरी डिस्कस करते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़, कौन से क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, हम कैसे फाइंड करते हैं। तो एक तो आप इसमें जो थ्योरी, एक तो इसमें आ जाएगा जो सरफेस टेंशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है, ड्रॉप नंबर क्या होता है, और फिर से स्टैग्मोमीटर क्या होता है, ये इसमें आ जाएगा थ्योरी में। और थ्योरी में एक और चीज़ होता है कि हम इसमें दो लिक्विड लेते हैं, लाइक तो एक तो हो गया वाटर और एक हो गया ये अननोन लिक्विड। ये लिक्विड हम कुछ भी ले सकते हैं। अब क्या पे ये वाटर होगा, तो जो वाटर के ड्रॉप्स हम ट्यूब में फिल करेंगे उसका मास कुछ होगा, उस वाटर ड्रॉप्स का कुछ वेट होगा, मास होगा, तो हम उसको डिनोट करते हैं हम M1 से। ये हो गया मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉप, इसको हम M1 से डिनोट करते हैं। वैसे ही हम इसके ड्रॉप्स को हम M2 से डिनोट करते हैं, ड्रॉप्स ऑफ अननोन लिक्विड, ये हो गया M2 से। अब आता है डेंसिटी, इसमें ये हो गया मास, अब होता है डेंसिटी। तो हम वाटर का डेंसिटी हमें नोन होता है, डेंसिटी क्या होता है, वाटर का D1 होता है 0.99, तो डेंसिटी इसलिए हम D1 ले लिया, और इसका D2। अब जो भी लिक्विड लेंगे हम तो उसका डेंसिटी हम नेट से चेक कर लेंगे या फिर कहीं गिवन होगा तो उसका डेंसिटी हम यहाँ पर लिख लेंगे जो होगा। अब आता है N1, N1 होता है नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ये हम अभी फाइंड करेंगे जब हम ट्यूब में लिक्विड फिल करेंगे तो वहां से हम नंबर ऑफ ड्रॉप फाइंड करते हैं। वैसे ही N2 हो जाएगा, N2 भी हो जाएगा ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ अननोन लिक्विड, हो गया अननोन लिक्विड। अब क्या है, अब एक चीज़ आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम इससे डिनोट करते हैं, ये जो साइन होता है इसको, इससे हम सरफेस टेंशन को डिनोट कर रहे हैं। तो सपोज अगर अब हमें वाटर का सरफेस टेंशन पता होता है, इसीलिए हम इसमें वाटर लेते हैं क्योंकि हमें वाटर का सरफेस टेंशन ऑलरेडी पता होता है, और हम किसी और लिक्विड का विद रिस्पेक्ट टू वाटर सरफेस टेंशन फाइंड करते हैं तो हमें पता इजिली हम फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर में। तो वाटर का सरफेस टेंशन होता है 72.26, अप्रॉक्स में ले लेते हैं इसको, ये इसका वाटर का होता है, और हमें इसका सरफेस टेंशन फाइंड करना है, ये डिनोट कर सरफेस। इसमें फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है साई टू अपॉन, इसको हम साई या जो भी मतलब V1 बोल ले, या सरफेस टेंशन ऑफ टू अपॉन सरफेस टेंशन ऑफ अनोन लिक्विड अपॉन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ अनोन लिक्विड इंटू D2 हो गया डेंसिटी ऑफ अनोन लिक्विड, जो हमें पता होगा जो भी लिक्विड लेंगे उसका डेंसिटी हमें पता होगा, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी हमें पता है 0.99। सो हम इसका प्रोसीजर डिस्कस करते हैं कि हम इसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप करते क्या है। पहले हम इसमें जो स्टेगोमीटर ट्यूब होता है वो ऐसे ही इस टाइप का ट्यूब होता है कुछ, ये होता है कैपिलरी ट्यूब ऐसा, अगर उस लैब में देखेंगे तो ये ऐसा इसी शेप का होता है। ये डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन इस टाइप का होगा ट्यूब। पहले हम इस ट्यूब को लेते हैं, इस ट्यूब को हम पहले वाटर से क्लीन करते हैं, उसके बाद इसको हम ड्राई ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर वाटर पहले से रहेगा और फिर उसमें हम या कोई अननोन लिक्विड या फिर वाटर सक करेंगे इसमें तो उसमें जो उसका रीडिंग आएगी उसमें वेरिएशन हो सकता है, इसलिए हम पहले ट्यूब को लेंगे उसको ड्राई कर देंगे। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम अब इसमें हम वाटर एक बीकर लेंगे, बीकर में सपोज वाटर होगा पहले से, बीकर नहीं एक मतलब ये ग्लास का होगा,
इसमें हम वाटर लेंगे, फिर वाटर को क्या करेंगे हम, इस ट्यूब, ये जो ट्यूब होगा इस ट्यूब को हम इस साइड से वाटर में डिप करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम इसको सक करेंगे माउथ से, माउथ से हम वाटर को सक करेंगे, और एक सपोज यहाँ तक आ गया किसी पॉइंट तक, तो इस पॉइंट पर अगर आ गया तो हम यहाँ पे रोक लेंगे, सपोज ये ए पॉइंट हो गया, इस पॉइंट तक जैसे ही लिक्विड आएगा हम ऊपर से फिंगर लगा के इसको क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ पे इसके इसमें दिया है कि रबर कॉर्क होगा, इससे हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद जो एक एक और बीकर लेंगे उसमें स्टैंड के साथ, इसको स्टैंड के साथ, एक स्टैंड होगा, स्टैंड होता है उसमें इसको एडजस्ट कर देंगे, स्टैंड में फिट करने के बाद नीचे बीकर बीकर लगा देंगे, फिर कुछ टाइम के बाद इसमें स्लोली स्लोली वन बाय वन ड्रॉप इसमें गिरता रहेगा, वन बाय वन ड्रॉप, और हमें ड्रॉप काउंट करते रहना कितना ड्रॉप गिर चुका है बीकर में जब तक ये पूरा खाली नहीं हो जाए। और इसमें एक प्रिकॉशन भी होता है कि मतलब 1 मिनट में कम से कम 15 से 20 ड्रॉप गिरने चाहिए 1 मिनट में, मतलब जितना भी हमने लिक्विड फिल किया है तो 1 मिनट में 15 से 20 ड्रॉप इस बीकर में गिरने चाहिए। उसके बाद जब ये टोटल वाटर इसमें फिल हो, जितना भी इसमें वाटर होगा ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिर जाएगा, उसके बाद हम इसका वेट ले लेंगे, इस वाटर का वो हमें ये वेट ले लेंगे, और अगर हमें एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो हम सपोज हमने एक बार लिया, अब यहाँ पे क्या है जो इसमें वाटर फिल हो जाएगा, अब सपोज हमें एक्यूरेट रीडिंग लेना है, मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए, एकदम बहुत ही कम एरर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस रीडिंग को हम सेम प्रोसेस को हम दो या तीन बार करेंगे। सपोज हमने फर्स्ट स्टेप किया तो फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ काउंट एक्स आया, जो नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप इसमें फिल होगा वो एक्स आया, फिर सेकंड स्टेप में वाई आया, फिर थर्ड स्टेप में अगर जेड आया, तो हम इस तीनों का मीन फाइंड करेंगे, जो तीनों आएगा नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन तीनों को हम मीन फाइंड करेंगे, फिर उस मीन को हम यहाँ पे जो मीन इन तीनों का मीन फाइंड करेंगे, तो मीन क्या होगा, जो इन तीनों का मीन आएगा वो एन वन के इक्वल होगा, एन वन जो हमने नंबर ऑफ ड्रॉप्स लिया था वाटर के केस में एन वन से एज्यूम किया था, तो इन तीनों का मीन होगा एन वन होगा, सेम प्रोसेस। उसके बाद जब हम वाटर का फाइंड कर लेंगे, फिर हम इसको अगेन इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम लिक्विड सेम प्रोसेस लिक्विड के साथ करेंगे, इसमें लिक्विड फिल करेंगे, उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिरने देंगे, फिर इसी सेम प्रोसेस को हम तीन बार करेंगे, ताकि हमें एक मतलब एक्यूरेट रीडिंग है उसमें एरर बहुत कम हो। फिर जब ए बी सी सपोज ए बी सी फर्स्ट टाइम में ए आया, सेकंड में बी आया, थर्ड में सी आया, फिर हम इन तीनों का मीन फाइंड कर लेंगे, इनका जो मीन आएगा वो हो गया एन टू के इक्वल, मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड हो गया, ये लिक्विड का ड्रॉप है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ये हो गया नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, हमें यहाँ से एन वन आ गया, एन टू आ गया, अब एन वन एन टू जो आ गया, अब इसमें वाटर जो फिल हुआ होगा तो हम उसको अगर वेट करेंगे वेइंग मशीन पे तो वहां से वेट ही पता चल जाएगा हमें, तो वो हो गया एम वन भी पता चल जाएगा, लिक्विड का सेम टू सेम निकालेंगे तो हमें एम टू भी पता चल जाएगा, अब एम वन एम टू में पता चल चुका है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फॉर्मूला था हमारा साई टू इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू इंटू, तो ये था एन वन अपॉन एन टू इंटू डी टू अपॉन डी वन, तो हमें यहाँ पे एन वन एन टू फाइंड हो गया, डी टू डी वन पता है हमें, हमें वाटर का इसमें डेंसिटी पता है, तो हम जो लिक्विड लिए हैं उस लिक्विड का डेंसिटी हम यहाँ से फाइंड कर देंगे, तो हम यहाँ से हमने इसका एज्यूम किया था जो लिक्विड का डेंसिटी क्या था, लिक्विड का सरफेस टेंशन ये ज़ूम किया था, तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से अब क्या हमें ये फाइंड करना है, तो हमें जो पता हमें ये दोनों और ये हमें ऑलरेडी पता, हमें ये नहीं पता है, तो हम जो हमें नोन है जिनकी वैल्यू नोन है उसको हम एक साइड कर लेंगे, जो नोन है उसको एक साइड कर लेंगे, तो क्या आएगा हमें, ये सपोज यहाँ पे ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड में यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा इन टू एन टू इंटू डी वन अपॉन एन वन इंटू डी टू इज इक्वल टू साइड टू, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड हो जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रिकॉशन भी होता है, एक प्रिकॉशन तो बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स इसमें जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स इसमें फॉल होगा तो वो मिनिमम 1 मिनट में 15 से 20 ड्रॉप होना चाहिए, 15 to 20 ड्रॉप्स। और सेकेंड प्रिकॉशन है कि जो ये जो ट्यूब होता है जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम इसको मतलब लाइक ये ड्रॉप फिल हो रहा है इसमें तो हम इसको हाथ में नहीं पकड़ेंगे, मैंने बताया कि ये जो एक स्टैंड सा होगा उस स्टैंड में इसको फिट कर देंगे और इसके नीचे हम बीकर रख देंगे, स्टैंड के नीचे यहाँ ट्यूब आ जाएगा, यहाँ हम बीकर रख देंगे, तो इसमें ये अपने आप वन बाय वन ड्रॉप गिरता रहेगा और 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना लिक्विड होगा उसके हिसाब से ये फिल हो जाएगा, सारे लिक्विड इसमें गिर जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट नंबर वन, और इसमें जो क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है, वाइवा क्वेश्चन ये होगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है, ड्रॉप नंबर मेथड क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, स्लैगोमीटर क्या होता है, डिवाइस क्या होता है, और एक ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो होता है डेंसिटी और एन वन एन टू डी वन डी टू और कैसे हमने जूम किया है, ये पूछा जा सकता है।
सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये अगर एक्सपेरिमेंट समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी वाइवा होने वाला है, तो बहुत मतलब बहुत बच्चे होंगे जिनके पास मटेरियल नहीं होगा, तो उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी सीख लें। अभी वाइवा का डेट निकल चुका है, इंटरनल प्रैक्टिकल्स का डेट निकल चुके हैं। तो अगर और इसका जो अगर थ्योरी जो इसमें थ्योरी है, क्या थ्योरी है, मतलब जो टोटल जो लिखा कंटेंट होता है इसका, वो मैं लिंक में इसका मतलब सॉरी सब्सक्रिप्शन, सो इसका जो पूरा मतलब जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है कि क्या होता है थ्योरी, प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप, फिर प्रिकॉशन, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। आप वहां से जाकर पूरा मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का देख सकते हैं, कैसे कैसे वहाँ डायग्राम भी होगा और एम कैसे, फॉर्मूला मतलब क्लियर लिखा है। यहाँ तो बस मैंने ऐसे ही समझाने के लिए थोड़ा बता दिया। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ से शेयर ज़रूर करें। अगेन थैंक यू।